क्या आपने कभी सोचा कि रेलवे स्टेशन पर पान खाकर जो लोग इधर उधर थूकते हैं, उसकी सफाई पर, उसके रख रखाव पर, उन जगहों को साफ करने पर रेल को क्या खर्च आता होगा? जी, रेल ने एक इंटरनल सर्वे किया है और उसके मुताबिक हर साल रेल को 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ उस पान गुटखा के दागों को मिटाने के लिए जो आप और हम या हम जैसे लोग या बाकी लोग जो रेलों में सफर करते हैं वो थूक कर स्टेशन पर गंदा करते हैं। इसीलिए रेल ने अपने सर्वे में ये पास किया है कि अब शुरुआती स्टेज में 45 स्टेशन पर वो कियोस्क बनाएंगे। कियोस्क आपने देखा होगा, जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा पानी मिलने लगा है आजकल, कि आप अपनी बोतल में भरवा लें, चाहे रेल आपको बोतल देती है उसमें वो 5 रुपये या 10 रुपये 15 रुपये इस तरह के रेट पर वो आपकी बोतलों में पानी भर देते हैं, फिल्टर्ड वाटर। वो आप रेल में, यानी आपको 20 रुपये की फिर बोतल नहीं खरीदनी पड़ती, तो जनरली आप रेलवे में वेंडर से खरीदते हैं। उसी तर्ज पर कियोस्क रेलवे बनाने जा रही है प्लेटफॉर्म पर, स्टेशनों पर, जहाँ एक छोटा सा गुमटी होगी, अगर आसान भाषा में कहें तो गुमटी में 5 रुपये और 10 रुपये दे करके आपको प्लास्टिक के पाउच मिलेंगे। उन पाउच में आपको पान थूकना है या गुटखा थूकना है और उसकी एक खास डस्टबिन होगी, उसमें आपको डाल देना है। यानी अब इधर उधर थूकना ये जुर्माने को भी आकर्षित करेगा और गंदगी को भी साफ करेगा।